नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संजीव किचन में। और आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नायाब नॉनवेज रेसिपी जिसका नाम है फिश मसाला फ्राई। तो आइए दोस्तों, देखते हैं फिश मसाला फ्राई को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया है और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है। आज हम फ़िश फ्राई बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक हमेशा मैं अपने हाथों में लेके करता हूँ ताकि नमक एक्स्ट्रा ज़्यादा ना डल जाए। अब हमने इसको आपस में मिला देना। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमारा हल्दी है और नमक है वो फिश में अच्छी तरह से जा सके। फिर बनती है असली फिश फ्राई। ये देखिए, इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने अच्छे से हल्दी और नमक के साथ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो कढ़ाई है वो भी गर्म हो चुकी है, तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तेल पूरा गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जो हमने फिश फ्राई करने के लिए रखी है मैरिनेट करके। अब वो थोड़ा ध्यान से हाथ को थोड़ा पीछे रख के डालिएगा। ये देखिए दोस्तों, आज हम जो फिश बना रहे हैं वो है रोहू फिश। चार पीसेस में डाल देता हूँ ताकि इनमें गैप भी रहे और अच्छे से फ्राई भी हो सके। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको तब तक नहीं पलटना जब तक ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। अब इनको थोड़ा सा हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि तेल हमारे गर्म हो चुका था। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं हम। ये बीच वाली फिश भी है, अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देते हैं दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं फिश को। वाओ, देखिए ये हमारा एक साइड से फ्राई हो रहा है। अब इस फिश को भी पलट देते हैं, ये भी फ्राई हो चुका है। हमें इनको बिल्कुल डीप फ्राई करना है ताकि जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसके अंदर। ये देखिए, जब तक गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाता तब तक उनको फ्राई करेंगे। दोस्तों, हम थोड़ा सा फिर से इसको दोबारा से पलट लेते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से पक सके। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, फिश हमारा बड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। गोल्डन ब्राउन कलर भी इसका आ गया है। इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, सारी फिश का कलर आप देख सकते हैं, सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मतलब कि अच्छी तरह से पक चुका है। दोस्तों, हमारे फिश जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। इतने ही तेल में हमारी सारी फिश फ्राई हो जाएगी। अब हम दोबारा से इसको डालते हैं फिश को। ये देखिए दोस्तों, आज हमने फिश जो लेके आए हैं रोहू फिश, जो थोड़ी बड़ी फिश लेके आए हैं ताकि इसका खाने का स्वाद ही अलग लगे। ये देखिए दोस्तों, फिश हमारा बड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। गोल्डन ब्राउन कलर भी इसका आ गया है। इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, सारी फिश का कलर आप देख सकते हैं, सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं।
मतलब कि अच्छी तरह से पक चुका है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो फिश फ्राई के लिए हमने जो मसाला तैयार करना है उसके लिए हमारी जो हरी मिर्च है वो फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने स्लाइस किए हुए प्याज, इसको हल्का चला लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का चला लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करना है नींबू, नींबू का रस, जो हमने एक नींबू लिया हुआ है ना, इसको नींबू का हम इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, MTS का मीट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। तो दोस्तों देखिए ये हमारी फिश फ्राई है, मसाले वाली फिश फ्राई। ये आपको खासकर उड़ीसा कैलकटा उस साइड खाने को मिलेगी। कल मैं आपको एक अलग तरीके की फिश करी दिखाऊंगा। ये तो बिल्कुल मसाले वाली, आपको देख रहे हैं कितना मसाला कितना ज़बरदस्त आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके स्वाद के लिए ना हम इसमें थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे नींबू, हल्का सा खट्टापन आ जाता है उससे, जो हमारी फिश है और ज़बरदस्त लगती है। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे होंगे मसाला कितना ज़बरदस्त बन चुका है और खाने में ना बहुत ही लजाकेदार होगा। तो दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा नींबू। हम नींबू पहले भी डाल चुके हैं, अब हम फिर से डालने जा रहे हैं, सिर्फ आधा नींबू डालेंगे ताकि इसका खटासपन थोड़ा सा और आ जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हल्का सा चला लेंगे ताकि नींबू का जो पानी है वो हमारे सारे फिश के अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो मेरी सारे उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।